संत निरंकारी मिशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश के सिलाई में रक्तदान शिविर और संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां एक तरफ समागम हो रहा था, वहीं रक्तदान शिविर भी चल रहा था, जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, कालका, मोहाली और सिलाई के लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान में 160 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाँ जी, अपना जो इस प्रकार की जो ये यहाँ पर निरंकारी संघ ने जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, ये हमारी सभा क्षेत्र में पहली बार ऐसा कार्य हुआ है और ये सौजन्य से हुआ है। जो लोग इसमें जुड़े हैं और मैं भाग्यशाली समझता हूँ जिले की धरती को और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को, जिन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे ये मैनेजमेंट किया है और हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लाइनों में लगे हैं यहाँ खून देने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये सिलाई में रक्तदान शिविर पहला है जो ये चैरिटेबल ने जो यहाँ पे सिलाई में लगाया, ये पहली बार ऐसा कैंप लगाया अपना जो है, हमने पहली बार यहाँ सिलाई। तो इससे भी पहले कोई संस्था थी जो यहाँ पर रक्तदान शिविर लगा चुकी है? इससे पहले एक हमारे यहाँ के स्थानीय जो केंद्र है, उन्होंने कई बार छोटे छोटे कैंप लगाने की कोशिश की है, लेकिन जो ऐसा हमारी जो इस समय हम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे साफ लोगों के अंदर क्राउड है ब्लड डोनेट करने का, तो ये बहुत अच्छी बात है ताकि हमारा जो खून है किसी के काम, व्यक्ति के काम आए। और मैं और युवाओं को क्या आप राय देंगे सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे को हर फील्ड में आगे आना चाहिए। जो ये कैंप है इसमें हम लोगों को भाग लेना चाहिए और जिस प्रकार के आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई लोग दूर दराज से हमारे बाहर स्टेटों से यहाँ पे आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ स्थानीय लोग भी काफ़ी आए हुए हैं, वो दान कर रहे हैं यहाँ। तो ये अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सिलाई से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।